चिराग, अमिशी, आयुष, कृष, ये जितने भी एक्टर्स हैं, प्लीज अपने सॉन्ग जो है वो पहले ही आके हमारे पास दोनों को रिपोर्ट करवा दीजिए। तो जजेस का जो रिजल्ट है वो मेरे बहुत ज्यादा चांस होने वाला है, बिकॉज हम लोग आने वाले जो राउंड्स हैं हमारे, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, आई थिंक दो राउंड्स हम बचे हैं। भारतीय कला मंच के द्वारा डांस का ऑडिशंस चल रहे हैं। इन्होंने ये जो प्रोग्राम किया है, ये हमारा ये है कि हम मानते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं होना चाहिए, बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी उतने ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये जो भारतीय कला मंच को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने जो कठुआ में अपने बच्चों के लिए ये चीज़ एक अपॉर्चुनिटी लाई है, जिससे बच्चों के अंदर जो भी कोई अपने अंदर इनके टैलेंट है वो टैलेंट ये बाहर ला सकेंगे। आगे भी ये इस तरह के और भी शोज करवाएंगे, ना ही डांस बल्कि और भी आइटम्स को लेकर इस चीज़ के ऊपर प्रोग्राम चलते रहेंगे। तो आज का जो ये जो ऑडिशन है, वहाँ पे हमने ये देखा कि बच्चे जितना भी है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बच्चों को सिर्फ हमें आगे मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मुझे कठुआ के सभी पेरेंट्स को और बाकी भी सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि बच्चों को हमेशा हमें मोटिवेट करना चाहिए। बच्चा किसी भी कार्य में आगे बढ़ सकता है, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। कई बार कोई बच्चा अगर पढ़ाई में नहीं है तो वो मे बी डांस में हो या सिंगिंग में हो या किसी भी चीज़ में आगे जा सकता है। सो बच्चे का टैलेंट को परखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आज इस फंक्शन में हमने देखा कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, बट बच्चों को आगे मोटिवेट और गाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का जो शो है बैटल ऑन बूट्स अ डांसिंग चैलेंज, भारतीय कला मंच जो कठुआ में एक बना है, उन्होंने ही हमें इस अपने शो के साथ जोड़ा कि हम इस शो को आगे लेके जाएं। तो इसी के साथ इस शो के लिए तीन जजिस का जो एक चयन हुआ था, जिसमें दीपक भारती जी हैं, सीनियर कोरियोग्राफर है कठुआ के, रोहित बनोत्रा जी हैं, आप भी सीनियर कोरियोग्राफर में आपका नाम है, और मेरा चयन किया एज ए पर्सनैलिटी जजमेंट के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम तीनों के अलावा इस राउंड में बाहर से भी काफ़ी जजेस आने वाले हैं, पहले भी आ चुके हैं, और आज इस राउंड में हमारे आज के चीफ गेस्ट मैम सुचिता गुप्ता जी, जो एक अच्छे प्रिंसिपल ना होते हुए भी, वो भी एक अच्छे प्रिंसिपल तो है ही हैं, साथ ही साथ कथक में उनका गहर अध्ययन है, तो उसको उनको भी आज हमने इस शो का जज एज अ जज के रूप में वो बैठे हैं और बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैम ने बात की कि हुनर टैलेंट जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय कला मंच का कि वो डांसिंग शो लेके आए हैं। आगे किसी भी प्रकार का वो शो, चाहे वो सिंगिंग का है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, किसी भी प्रकार की गेम्स हो सकती हैं, तो हम तन मन धन से उनके साथ हैं और आगे भी हम उनके साथ।